मलाई चाप चाप टिक्का तंदूरी आप ये सब तो आपने खाया भी होगा, बनते हुए भी देखा होगा, मगर क्या आपको पता है ये सब जिससे बनाए जाते हैं वो सोया चाप कैसे बनाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मैदा से बनती है और कुछ लोगों का मानना है कि इसका आटा पैरों से गूंद के लगाया जाता है। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं आपकी पसंदीदा सोया चाप कैसे तैयार होती है और साथ ही आपको बताएंगे इससे जुड़े कई और रास्ते। चलिए मेरे साथ। तो सोया चाप बनाने की शुरुआत होती है सबसे पहले सोयाबीन को पीसने से। तो यहाँ पे पीसने वाली मशीन के अंदर सारी की सारी सोयाबीन को डाल देंगे और दूसरी ओर से इसका आटा जो है वो निकल के तैयार होता जाए। जैसे इसका आटा निकल के तैयार हो जाएगा इसको ले जाया जाएगा मिक्सर गृह में। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा पतली क्वालिटी का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा जो है वो निकल के तैयार हो चुका है। अब इसे ले जाया जाएगा मिक्सर गृह में मिक्सर मशीन के अंदर। अब यहाँ पे सारे के सारे आटे को डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो बोरी है वो पलट दी गई है। ऐसे ही जो है बाकी की बोरियों को भी पलट दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई अगर ये सोया चाप सोयाबीन से तैयार होती है तो इसमें मैदा कहाँ से आ गई, क्यों लोग इसे इतना मैदा के नाम पर बदनाम करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं इसमें जो डलती है मैदा नाम मात्र की डलती है ताकि इसका जो आटा है वो बिल्कुल बढ़िया सा लग सके इसलिए। और अब जैसे ही सोयाबीन डल चुका है इसमें बारी आ जाती है नमक की, तो नमक भी आ चुका है यहाँ से मशीन जो है वो चालू और दूसरी ओर से आ चुका है थोड़ा सा बेसन। भाई नमक बेसन भी डलता है, मैदा ही नहीं डलती है। मैं आपको बता दूँ सारी चीज़ें इसमें डल के तभी वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की जो सोया चाप है ना वो बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें जो अच्छे से पिस चुकी है, अब इसे ले जाया जाएगा दूसरी मशीन की ओर। अब इसे लाया गया दूसरी मशीन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आटा लगाने वाली मशीन है जिसमें ऑलरेडी पानी भरता जा रहा है और यहाँ पे आ चुका है हमारा मिक्सचर जो कि तैयार हुआ था सोयाबीन थोड़ी सी मैदा नमक और बेसन के साथ। अब इसे चला चला के इसका बढ़िया सा आटा लगाया जाएगा मशीन द्वारा। आप देख सकते हैं इस काम में करीब करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमारी जो सोया चाप का आटा है ना वो लग के तैयार हो चुका है। अब आप सोचेंगे भाई सोया चाप तो बन गई क्योंकि आटा लग चुका है, अब क्या होगा उसे स्टिक पे लगा के दे देंगे। ऐसा नहीं होता है भैया, बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे करके आटे को लिया जा रहा है और इसे लाया जा रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म की। अब इस आटे को रखा जाएगा कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो सके और इतने देर में जो हमारी स्टिक होती है सोया चाप की उसको तैयार करा जाएगा। आप कहेंगे ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो नहीं, इसको पहले पानी में भिगोया जाता है 5 मिनट के लिए ताकि वो जो है अच्छे से फूल सके और उसमें सोया चाप जो है वो बिल्कुल ना चिपके। भाई आपने कभी देखा है कि सोया चाप स्टिक से चिपक गई? नहीं ना, वो कार्य इसीलिए होता है ताकि उसमें जो स्टिक यूज होती है वो हमेशा पानी में भिगो के इस्तेमाल करी जाती है, तभी हमारी सोया चाप कभी भी स्टिक से नहीं चिपकती है। आटा भी तैयार है, स्टिक भी तैयार है, तो अब तैयार करवाते हैं सोया चाप। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे के सारे आटे को लिया जाएगा और नाप नाप के सारी आटे को स्टिक पे लगा लगा के रखा जाएगा। सारी की सारी औरतें ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्णता से करती है ताकि किसी भी स्टिक में ज्यादा आटा ना आए। और जैसे ही सारी की सारी स्टिक बन के तैयार हो जाएंगी इनको ले जाया जाएगा बॉयलर गृह में उबालने के लिए। अब आप सोचेंगे भाई ये उबल के मिलती है? जी हाँ, सारी की सारी सोया चाप को उबाला जाता है तभी भाई वो इतनी बढ़िया रहती है। और कोई भी आटा आपको ना कभी भी आप देखोगे सोया चाप आपको कच्ची नहीं लगेगी, बिल्कुल आटा नहीं रह जाता उसमें, उसे अच्छे से पकाया जाता है उबाला जाता है। तो उबालने के लिए सबसे पहले उसे बॉयलर में डाल दिया गया, उसे ढक के अच्छे से उबाला जाएगा कम से कम 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है हमारी सोया चाप बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे उबलते हुए पानी से निकाल के रखा जाएगा ठंडे पानी में ताकि सोया चाप जो है वो बढ़िया सी बिल्कुल इसी तरह रहे, कहीं से भी निकले ना, कटे ना, फटे ना। आप देख सकते हैं ठीक ठंडे पानी में यहाँ पे डाल दी गई है सारी की सारी सोया चाप को, इसमें रखा जाएगा 10 मिनट के लिए और उसके बाद जो है हमारी सोया चाप बन के तैयार हो जाएंगी। आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में मन कर रहा है ना अभी लाके इसे पका के खा लो। हर किसी का करता है भाई, सोया चाप चीज ही ऐसी है। और यहाँ पे देखिए हमारी सोया चाप बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब इन्हें करी जाएगी पैकिंग। तो पैकिंग के लिए एक एक पैकेट में नाप नाप के सोया चाप को डाल डाल के रखा जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक एक पैकेट जो है सोया चाप का बन के तैयार हो चुका है। अब इनकी पैकिंग को सील करके हमारी सोया चाप के पैकेट को भी फिनिशिंग दे दी जाएगी। अगर आपको ये सोया चाप ऑर्डर करनी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन, जोमेटो, डूनजो सब पे आपको ये सोया चाप मिल जाएगी। और अब इसे रखा जाएगा डीप फ्रीजर के अंदर ताकि वो खराब ना हो, ऐसी की ऐसी सोया चाप आपको हफ्तों दर हफ्तों तक चल सके। इसको थोड़े से पानी के अंदर रखा जाता है ताकि सोया चाप जो है उसमें कोई भी बैक्टीरिया ना लगे और बढ़िया सी सोया चाप आपको हमेशा मिल सके। चलते हैं यहाँ के ओनर से लेते थोड़ी और जानकारी। नमस्कार सर, कैसे? सर अगर लेनी हो, किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हमारा बिजनेस ज्यादातर है B2B में। हाँ जी। और हमारी चाप आपको पूना, बॉम्बे, अपना रायपुर और बरेली, रायबरेली, रुद्रपुर, पूरे NCR में हर जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन शॉप जो ऑनलाइन काम करने वाली कंपनियां हैं उनके यहाँ भी मिल जाएगी। और सर पैकिंग कितनी वेरायटी में मिल जाती है? हमारा मेन मकसद है लोगों को नॉन वेज छुड़वाना, उनको सोया चाप खिलाना। अरे जीव जंतु बचाओ, सोया चाप अपनाओ। धन्यवाद सर, थैंक यू।
तो आप भी नॉनवेज छोड़िए, सोया चाप जरूर खाइए। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।